नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनंदा पुष्कर की मर्डर केस की कुछ बातें, कुछ ऐसे खबरें जो आपको पता नहीं होंगी, वो इस हियरिंग में CBI में जो केस चल रहा है, CBI की अदालत में इस हियरिंग में सामने आया है। तो क्या है वो बातें, आज आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अभी जो हियरिंग चल रहा था CBI कोर्ट में, उसमें नालिनी सिंह को बुलाया गया था। नालिनी सिंह वो शख्स है जो सुनंदा पुष्कर की फ्रेंड कहा जाता है, वो अच्छी दोस्त है, कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो वो उनसे बहुत कुछ बात शेयर कर रही थी, क्योंकि वो अच्छी फ्रेंड है। नालिनी सिंह ने CBI अदालत में पहुंची और वहां पे उन्होंने अपना बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि सुनंदा पुष्कर मेरी 3-4 साल से दोस्त थी, उनके मर्डर होने से पहले एक रात पहले उन्होंने मुझसे बात की, रोते हुए उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं इस अदालत में बताना चाहती हूँ। इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने मुझे मैसेज भी भेजे, दिखाया कि उनके पति किस तरह से दूसरी औरत के साथ चैट कर रहे हैं। उस औरत का नाम मिहिर तरार बताया गया। मिहिर तरार कौन थी? मिहिर तरार एक पाकिस्तानी रिपोर्टर थी जिसके साथ उन्होंने दुबई में 3 रात बिताए थे। तो दोस्तों, ये न्यूज़, ये जो कहते हैं ये बातें CBI में उन्होंने, नालिनी सिंह ने कोर्ट में जज के सामने रखा, उन्होंने ये सब सारी बातें बताए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुनंदा पुष्कर ने भी मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे, अपने पति के खिलाफ सबूत भी मुझे भेजे, सबूत मतलब वो मैसेज भेजे जो कि सुनंदा पुष्कर ने जो मैसेज भेजे वो शशि थरूर और मिहिर तरार के बीच में जो मैसेज हुआ था कॉन्वर्सेशन, वो भी मुझे भेज करके बताया उन्होंने। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, वो दुखी थी कि, और उन्होंने इस मैसेज, और उन्होंने कहा भी कि 2014 लोकसभा होने के बाद वो मुझे तलाक दे देगा। ऐसा सुनंदा पुष्कर ने अपनी दोस्त नालिनी सिंह को कहा कि मेरे पति ने मुझे 2014 के बाद तलाक दे देगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो हुआ कि उनके मर्डर होने से पहले, मतलब उनके मर्डर होने से पहले कुछ दिन पहले ही 2014 में ही, जनवरी में ही आई थिंक, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्विटर का मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ, साइड स्क्रीन में आप देख सकते हो कि ट्वीट करके उन्होंने मिहिर तरार को कहा कि तुम लोगों ने जो ऐसा किया है उसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी है और मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों, उसके जवाब में संग उन्होंने जवाब, मिहिर तरार ने जवाब दिया कि मैं आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ रहोगी और तुम खुश रहोगी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गॉड ब्लेस यू, ऐसा करके उन्होंने ये ट्वीट को जवाब दिया। इस तरह से ट्वीट को जवाब दिया। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके नेक्स्ट डे ही उसका मर्डर हो चुका था। तो दोस्तों, मर्डर कह सकते हैं या फिर आत्महत्या कह सकते हैं, अभी तक तो आत्महत्या का केस चल रहा था, लेकिन दिल्ली के पुलिस ने CBI कोर्ट के जज से कहा है कि उन्हें ये परमिशन दिया जाए कि इसके मर्डर केस की जाँच कर सकूँ, इसके चार्जशीट दायर कर सकूं। तो दोस्तों, ये था कुछ न्यूज़ जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ अपडेट्स आपको मिल सके। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के बीच, कमेंट्स करके बताना कि आपको ये जानकारी आपको थी, अगर नहीं तो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट्स की बहुत ही ज़रूरत है आप मुझे, तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर बेल की घंटी नहीं बजाया हो तो बेल की घंटी जरूर बजाना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।